तो आज हम आगे लुधियाना की मेगा फैक्ट्री के लवली स्वीट्स पे, और यहाँ पे रेडी होंगे बूंदी के लड्डू जो कि पूरे लुधियाना में बहुत ही फेमस है और पूरे लुधियाना में सप्लाई किया जाता है। तो बूंदी के लड्डू के लिए यहाँ पे बेसन डाला जा रहा है। हाँ जी, बूंदी के लड्डू झाड़ने के लिए हम यहाँ पे बेसन मिला रहे हैं, इसका एक घोल तैयार करेंगे हम। इसकी कंसिस्टेंसी जो होगी अपने हिसाब से मैनेज कर लेगा बंदा। ठीक है जी। तो अब इसमें पानी से घोला जाएगा इसे। ठीक है, पानी मिक्स किया जा रहा है इसमें। हाँ जी सर, पानी इसमें स्टार्टिंग में थोड़ा 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 करके ही डालना पड़ता ताकि गांठ ना बने। देखिए, ये लड़के ने हमारे ने ग्लव्स नहीं पहने हुए हैं, उसका भी एक रीज़न है जी। जब हम बेसन को का घोल तैयार करेंगे ना, ये थोड़ा कम तो है नहीं है कि इसमें हम जूस कर लें, तो ज़्यादा क्वांटिटी में मिलाने जा रहा है लड़का, तो उसमें ग्लव्स यूज करेगा तो सारा कुछ मिक्स, या तो लिफाफा ही फट जाएगा जो ग्लव्स हम यूज करेंगे, या हाथ में चिपक जाएगा, कुछ भी है तो हाथ से करना पड़ता है। हाथ से ही करना पड़ता है जी। तो बूंदी के बैटर को यहाँ पे भरा जा रहा है और अब इसको नेक्स्ट कढ़ाई में ले आने के लिए तैयारी की जा रही है। तो हमारा बूंदी का बैटर कढ़ाई में डाला जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे बैटर डाला जा रहा है और कढ़ाई में अच्छे से बूंदी को बनाया जा रहा है। सर देखिए, ये मोतीचूर बेसन, बारीक बेसन का दाना जड़ रहा है जी। ठीक है जी। हाँ जी सर, ये प्योर घी में जड़ रहा है जी, डालडा घी में। तो दिन में कितने किलो बूंदी के लड्डू तैयार हो जाते हैं यहाँ पे? सर ये तो दाना झाड़ने का प्रोसेस है, इसमें तो हम दो कट्टा बेसन का दाना झाड़ेंगे सर। दो कट्टा जाता है पूरा, और डिमांड के हिसाब से 4-5 क्विंटल लड्डू हम पर डे लगाते हैं जी। ठीक है, टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है? हाँ जी सर, टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। ये हमारा बॉयलर सिस्टम है जी, इसमें हमें सेके का पता चल जाता है। बाल सिस्टम है, बाल खोलेंगे बंद करेंगे तो एडजस्ट कर लेता है जो कारीगर बैठ के दाना झाड़ रहा है, वो अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेता है जी। तो ये रेडी हो चुकी है यहाँ पे? हाँ जी सर, ये तैयार है ये। तो हमारी चीनी को यहाँ पे साफ कर लिया गया। तो भैया, अब नेक्स्ट क्या प्रोसेस होगा? सर अभी हम इसको 2-4 मिनट और पकाएंगे ताकि यो तैयार होने के लिए बिल्कुल चीनी पक जाए, हमारी लड्डू के लिए तैयार हो जाएगी बिल्कुल जी। अब इसके बाद हम इसके अंदर दाना ऐड करेंगे। ठीक है। ये अब सर नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा, हम फूड कलर ऐड कर रहे हैं इसके अंदर, ये केसर फ्लेवर में कर रहे हैं। ठीक है जी। लो जी सर, ये आप देखिए दाना ऐड हो गया जी। तो कढ़ाई में बूंदी का दाना रेडी डल चुका है। हाँ जी सर, अब इसको 2 मिनट के लिए हम रखेंगे ताकि दाने के अंदर चाशनी चली जाए। तो कितना टाइम लगेगा इसको रेडी होने में? सर ये 2-4 मिनट में लड्डू तैयार है जी। अभी ये अब हमारा ये लड्डू का दाना मीठा पी जाएगा तो उसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा देसी घी भी ऐड करेंगे सर। अच्छा, देसी घी डालेंगे? हाँ जी बिल्कुल जी। ये सर थोड़े मगज ऐड किए जा रहे हैं, बारीक मगज बोलते हैं। अब सर इसके अंदर हम थोड़ा देसी घी भी ऐड करने वाले हैं, 250 ग्राम के करीब जा रहा है। ये हो गए जी लवली स्पेशल देसी घी के लड्डू, तैयार है सर। ठीक है जी। तो हमारी बूंदी बन के रेडी हो चुकी है यहाँ पे, और अब इसके लड्डू बनाए जाएंगे। तो अब इसको थोड़ी देर पहले परात में ठंडा किया जाएगा। तो कितना मिनट लगेगा उसको ठंडे होने में? सर ये 15-20 मिनट में तैयार होने लगेंगे लड्डू जी। ठीक है जी। हाँ जी। तो हमारी बूंदी को ठंडा करने के लिए रख दिया गया है, अब इसको 5-10 मिनट ठंडा किया जाएगा, उसके बाद इसके लड्डू की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारी यहाँ पे बूंदी ठंडी हो चुकी है और हमारे मोतीचूर के लड्डू यहाँ पे बनने को तैयार हो चुके हैं। तो ग्लव्स वगैरह हम इसलिए अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं सर, क्योंकि अभी गर्म गर्म है ये लड्डू, तो जो हम लड्डू बांट रहे हैं तो उसके लिए हम लोगों ने अपने प्रॉपर हाथ सैनिटाइज किए हुए हैं। हम प्रॉपरली हैंड अपने सैनिटाइज करके ही अपना काम करते हैं जी, जो भी करते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे पूरी ट्रे भर के यहाँ पे मोतीचूर के लड्डू बनाए जा रहे हैं, एकदम गर्मा गर्म। हाँ। लवली स्वीट्स के फेमस मोतीचूर के लड्डू। तो क्वांटिटी देख सकते हो आप, 5-6 क्विंटल यहाँ पे मोतीचूर के लड्डू बनाए जाते हैं पूरे दिन में, यहाँ पे कंटिन्यूसली बैचेस में बनते रहते हैं। तो हमारे मोतीचूर के लड्डू बनके रेडी हो चुके हैं, अब इसमें पिस्ता डाला जाएगा। तो फाइनली केज लवली स्वीट्स जमालपुर लुधियाना की फेमस, यहाँ पे मोतीचूर के लड्डू यहाँ पे लग चुके हैं। तो देख सकते हो एकदम गर्मा गर्म इन्होंने लड्डू लगाए, ऊपर से डाले ड्राई फ्रूट, पिस्ता लगाया हुआ है। तो चलिए इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो एकदम फ्रेश गर्मा गर्म बने हुए देसी घी के बूंदी वाले लड्डू जो कि आपको मिल जाएंगे लवली स्वीट्स में। टाइमिंग क्या रहती है? टाइमिंग हमारी सुबह 8 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक है जी। वीक में कितने दिन ओपन रहते हैं? 7 डेज। 7 डेज ओपन है, कभी भी आ सकते हैं। 365 डेज ओपन है। एड्रेस बता दीजिए किसको यहाँ पे आना। हमारा है केज लवली फूड प्रोडक्ट्स, SEO 1819, लवली मार्केट जमालपुर लुधियाना। कितने
किसी को कुछ पार्टी के लिए ऑर्डर करना हो, किसी को अपने शॉप के लिए मटेरियल चाहिए होगा, तो कैसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं? तो हमारे फ़ोन नंबर्स भी हैं, ऑनलाइन भी हो सकता है, सारा कुछ अवेलेबल है। हमारा है फ़ोन नंबर 463-4500, 462-4500। तो अगर आप भी इसको टेस्ट करना चाहते हो तो लुधियाने आके केज लवली स्वीट्स जमालपुर में आके इसको टेस्ट कर सकते हो, और पूरे लुधियाना में लोग इसको काफ़ी पसंद करते हैं। तो अब मैं इसको यहाँ पे जल्दी से फिनिश करता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।